नमस्कार, सत श्री अकाल। कोविड की पिछली 3 वेव्स ने हम लोगों को सिखा दिया है कि हमें कुछ भी हो, एक एक्स्ट्रा साइड इनकम बहुत जरूरी होती है। और मेरे लाइफ में सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो रियल एस्टेट है, और इसी को दर्शाने के लिए आज हम आए हैं आइरिस त्रिहान ब्रॉडवे सेक्टर 85 न्यू गुड़गांव। आइरिस त्रिहान ब्रॉडवे एक हाई स्ट्रीट रिटेल कमर्शियल मार्केट है। यहां मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं सर्विस अपार्टमेंट रेडी टू मूव। आप अपने बजट के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से 555 स्क्वायर फीट, 589 स्क्वायर फीट, 803 स्क्वायर फीट या 821 स्क्वायर फीट का सर्विस अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। इसमें आपको 15 साल की लीज के साथ 67 रुपीज पर स्क्वायर फीट की लीज गारंटी दी जाती है, और ये आपके लिए एक अच्छी साइड इनकम का सोर्स हो सकता है, क्योंकि इसकी लीज एक अच्छे होटल ब्रांड के साथ की जा रही है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 803 स्क्वायर फीट का सैंपल 1 BHK सर्विस अपार्टमेंट। ये सर्विस अपार्टमेंट में हम एंटर करते हैं तो ये स्टील प्रेस वुड का डोर और साथ में एंटर करते ही ये लिविंग डाइनिंग एरिया। इसके फर्श पे विट्रीफाइड टाइल्स और दीवारों पे बहुत अच्छी तरीके से पैनलिंग की गई है, पेंट प्रॉपर करके दिया जा रहा है। साथ में ही होटल चेन की तरफ से लगभग इस तरह से इसको फर्निश करके दिया जाएगा और एसी इंस्टॉल किए जा रहे हैं ड्राइंग रूम में। साथ में ये किचन स्पेस, किचन में लोअर कैबिनेट और अपर कैबिनेट के साथ ब्रांडेड फिटिंग्स, और यहां पे आपको किचन अप्लायंस भी इंस्टॉल करके दिए जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम में यहां आपको ब्रांडेड शावर सेट, दीवारों पे विट्रीफाइड टाइल्स, फर्श पे एंटी स्किड टाइल्स, ब्रांडेड फिटिंग्स और साथ में लोअर कैबिनेट के साथ ये वॉश बेसन और ये लुकिंग ग्लास मिरर ये आपको लगा के दिया जा रहा है, और साथ में मॉडुलर स्विचेस। ये सब लीज पे लेने वाली कंपनी अपने एंड पे डेवलप करेगी, और साथ में ये वर्क स्टेशन, ताकि इस सर्विस अपार्टमेंट को जो भी रेंट पे लेने आता है तो उसको अपना ऑफिस वर्क भी यहां कर सकता है और रहने का व्यवस्था भी है। ये प्रॉपर किंग साइज बेड, इसके साथ यहां कबर्ड भी बना के इसे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में वाइल्ड बालकनी सोलर रेलिंग के साथ, और यहां से न्यू गुड़गांव का व्यू काफी अच्छा आता है। सर्विस अपार्टमेंट लॉबी से अब हम चलते हैं पूल साइड की तरफ, और साथ में फैसिलिटी मैनेजमेंट के साथ यहां पे पूल साइड को डेवलप किया जा रहा है। ये ओपन है, हालांकि इसको भी फाइनलाइज नहीं किया गया है। इस डेक का फिनिशिंग अभी बाकी है। साथ में मैं आपको दिखा पा रहा हूं
फेडरल पूल यहां आपके लिए एडल्ट पूल और साथ में ये किड्स पूल भी यहां डेवलप किया जा रहा है। बिल्डिंग में स्ट्रक्चर तैयार है, सिर्फ फिनिशिंग होना बाकी है और ये आपके सर्विस अपार्टमेंट का आउटर व्यू। एक बार एक मिडिल क्लास आदमी किसी ज्योतिषी के पास जाकर अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि महाराज बताइए कि मेरा भविष्य कैसा है या वर्तमान में मैं प्रॉब्लम कैसे फेस कर रहा हूं, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है आप बताइए। तो वो ज्योतिषी उस मिडिल क्लास आदमी का हाथ देखकर कहता है कि जजमान आपके हाथ में तो बहुत पैसा है, आपके हाथ में करोड़ों रुपया है और आप तो बहुत जल्दी धनवान बनने वाले हैं। तो वो मिडिल क्लास आदमी अपनी बैंक की पासबुक निकालकर अपने ज्योतिषी को दिखाता है और कहता है कि महाराज मेरे इस हाथ में जो पैसा है प्लीज मेरे इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि मेरे इस बैंक अकाउंट में आज मिनिमम बैलेंस भी नहीं है। यही हाल जो है आज रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स का है, क्योंकि बिल्डर्स, ब्रोकर, चैनल पार्टनर या प्रॉपर्टी डीलर जब भी आपको कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल डील देने की कोशिश करते हैं तो अपने प्रोजेक्ट का बखान बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर करते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं कि मानो ये दुनिया का आखिरी प्रोजेक्ट है या इसके बाद कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं आएगा या अगर आप उस डील को नहीं लेते तो पता नहीं आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जब आप उस डील को ले लेते हैं तो उसके बाद वो आप से बात करना भी पसंद नहीं करते, यहां तक कि आपकी फोन कॉल भी नहीं उठाते और कभी भी अगर आपको उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड बिल्डर से कोई डिस्प्यूट होता है या कभी आपको कोई मॉरल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है तो उस टाइम पे कभी ये अपने क्लाइंट का साथ नहीं देते। ये बहुत गलत बात है लेकिन इस बाजार की ये कड़वी सच्चाई है जिसको हम झुठला नहीं सकते। इसलिए मैं निवेशकों को चेतावनी देता हूं कि आप बिना एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस के कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश ना करें और आप जब भी किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो कृपया ये बात सुनिश्चित कर लें क्या वो एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस या कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट देगा, क्या कभी आपको कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे देने या लिक्विडेट करने की जरूरत पड़ती है, क्या वो आपका साथ देगा। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब ये होता है कि जिस प्रॉपर्टी को आपने उस वेंडर से या उस चैनल पार्टनर से या बिल्डर से खरीदा है क्या कभी आपको उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाने या रीसेल की जरूरत पड़ती है तो क्या वो आपका साथ देगा। और कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई और प्रॉपर्टी है उसके रिलेटेड आपको उस चैनल पार्टनर की या उस रियल एस्टेट एक्सपर्ट की जरूरत होती है तो क्या वो आपका सहयोग करेगा। ये बात आप पहले सुनिश्चित कर लें तभी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी लेने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज आप हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।